रिलायंस जियो ने हिमालय के सुदूर इलाकों में अपने पदचिन्हों का विस्तार कर लिया है। किन्नौर जिले के सुदूर इलाकों और लाहौल स्पीति के विभिन्न गांवों में रहने वाले लाखों ग्रामीण अब जियो के 4G हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ HD वॉइस कॉलिंग की सुविधा को हासिल कर पाएंगे। चीन की सीमा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो कॉलिंग के लिए मोबाइल नेटवर्क का सपना भी नहीं देख सकते थे, अब खुश हैं क्योंकि उन्हें जियो की हाई स्पीड इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग सेवाओं का लाभ मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का जनजातीय जिला किन्नौर और शीत मरुस्थल कहे जाने वाला लाहौल स्पीति जिला बेशक सर्दियों में बर्फबारी के कारण शेष दुनिया से कट जाता है, लेकिन अब फोन और इंटरनेट सुविधा से ये जिला पूरी तरह से दुनिया से जुड़ा रहेगा। लाहौल स्पीति और किन्नौर के कई इलाकों में जियो की कॉलिंग और इंटरनेट सुविधा शुरू हो गई है। जी हाँ, रिलायंस जियो ने हिमालय के सुदूर इलाकों में अपने पदचिन्हों का विस्तार कर दिया है। किन्नौर जिले के सुदूर इलाकों और लाहौल स्पीति के विभिन्न गांवों में रहने वाले लाखों ग्रामीण अब जियो के 4G हाई स्पीड और इंटरनेट के साथ साथ HD वॉइस कॉलिंग की सुविधा से अपने आप को लाभान्वित कर पाएंगे। टावर लगने से पहले प्रॉब्लम ये थी हमारे यहाँ की, कोई फील्ड हो जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में ले लो आप लोग, तो हमें कुछ ऐसे कुछ भी जानकारी नहीं थी हमारे कि यहाँ गांव से बाहर जाए कहीं जहाँ टावर लगी होती है वहाँ जाके हमें महसूस होता है कि हम कितने पिछड़े हैं और कितने साल हम पीछे हैं। लोग वहाँ लेन देन कोई पेमेंट हो ऑनलाइन गूगल पे ये चीज़ें और पढ़ाई वगैरह ऑनलाइन बच्चों को घर बैठे बैठे सब कुछ करा लेते थे। यहाँ आके फिर हमें लगता है कि हम बहुत पिछड़े हैं, हमें कोई भी चीज़ जैसे बच्चों को या किसी भी चीज़ को बच्चों को पेमेंट वगैरह भेजने बच्चों को पैसे भेजने हो तो बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी। हमें यहाँ से हमारे 20-25-30 किलोमीटर दूर बैंक है लियो और पू, तो वहाँ जाके हम पैसे भेजते थे। आज सिचुएशन ये है टावर लगने के बाद कि हम घर बैठे ऑनलाइन गूगल पे कर दिया, ये सुविधाएं हमें अब मिल चुकी है और हम इससे बहुत खुश हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जियो जो सिग्नल है उससे पहले मैं कैसे पढ़ाता था बच्चों को ऑफलाइन स्टडी, तो ये होता था कि हमारा रूटीन सुबह घर जाओ, जैसे 15-20 बच्चे हैं हमारे, तो घर घर जाके 5-5 मिनट हार्डली इतना देते थे हम एक बच्चे को, 5 मिनट या 10 मिनट बच्चे ज़्यादा होने की वजह से, फिर उनको ऑफलाइन स्टडी जो होमवर्क दे दिया थोड़ा पढ़ा दिया हर बच्चे के पास जाके, और नेक्स्ट डे फिर जाओ होमवर्क चेक करो, फिर सेम फिर वही रूटीन, फिर होमवर्क दो उनको, इस तरह से चलती थी पढ़ाई। अब जियो टावर्स और सिग्नल आने के बाद हमने ग्रुप बनाए GPS सांगो का ग्रुप बनाए और बच्चों को ये ऑनलाइन स्टडी जो मटेरियल है सब कुछ हम मोबाइल पे भेज देते थे बच्चों को, और वो बड़ी अच्छी तरह से